हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी नेक्सोन गाड़ी के लिए एलिजेंट कंपनी की वेबसाइट से फ्लोर मैट, सीट कवर और विंडो सनसेट ऑर्डर किए थे, जो कि अब आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीट कवर के बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आप अपना वो नुकसान ना करवा पाओ जो मैंने अपनी सीट कवर को चढ़वाने में करवा दिया था। कार सीट कवर दो तरह के होते हैं, पहला फैब्रिक या कपड़े वाला, दूसरा लेदर या रैक्सीन वाला। इंडिया में मोस्टली लोग लेदर सीट कवर को ही यूज करते हैं, जबकि ज़्यादा कंफर्टेबल सीट कवर फैब्रिक वाले ही होते हैं, जो कि कंफर्टेबल तो होते ही हैं, साथ ही लेदर सीट के मुकाबले कम गर्म होते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी रह जाती है तो लेदर सीट कवर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि जब उन पर बैठना भी मुश्किल होता है, जबकि फैब्रिक वाले इतने गर्म नहीं होते हैं, उन पर आप बैठ सकते हैं आराम से। लेकिन लेदर सीट कवर को यूज करने से गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम लुक आता है, यानी कि लुक वाइज लेदर सीट कवर बहुत ही अच्छे होते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग लेदर सीट कवर ही यूज करते हैं। और एक और कारण है कि जो डस्ट होती है वो लेदर सीट कवर के अंदर नहीं जा पाती, जबकि फैब्रिक वाले में वो सीट कवर के अंदर जाती रहती है वो। दोस्तों, एलिजेंट कंपनी के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। एक दो नहीं, बहुत सी कमियाँ थी, चाहे बात उनके बिहेवियर की हो चाहे उनके प्रोडक्ट की। ये बातें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप फैब्रिक सीट कवर अपनी गाड़ी में लगवा रहे हैं तो कम चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी की जो सीट है उसे नुकसान हो। लेकिन अगर आप लेदर सीट कवर चढ़वा रहे हैं तो आप दो तरह से चढ़वा सकते हैं, पहला सिंपल, दूसरा बकेट। सिंपल सीट कवर में लेदर कवर को चढ़ाने के लिए कोई फिटिंग नहीं होती है, सिर्फ एक तरह से आपकी सीट को कपड़े पहना दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप आर्म रेस्ट पीछे वाली सीट पर आर्म रेस्ट की तरफ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है आपकी सीट को, अदरवाइज कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें एक कमी होती है, इसमें कमी ये होती है कि वो फिटिंग के नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सीट कवर है वो आपके लूज़ होने लगते हैं, इतने लूज़ हो जाते हैं कि उन पर आपको सिलवटें अलग से नज़र आने लगती हैं। दूसरा तरीका है लेदर सीट कवर को चढ़वाने का, वो है बकेट फिटिंग। इसमें सीट कवर को फिटिंग करके चढ़ाया जाता है, जिससे कि कार के अंदर एक प्रीमियम लुक आता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से कार सीट कवर चढ़वाते हैं तो जब भी आप ये सीट कवर उतरवाएंगे आपको दूसरे सीट कवर तैयार रखने होंगे, क्योंकि आपकी सीट जो है सीट होती है उसे उधेड़ दिया जाता है इन सीट कवर को चढ़ाने में, उधेड़ी हुई उन सीट को दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने एलिजेंट कंपनी की वेबसाइट से बकेट सीट कवर मंगवाए थे, जिसको मैंने मेरठ की ही एक लोकल शॉप में चढ़वाया था। आप भी देखिए कि बकेट सीट कवर चढ़वाने में सीट को किस तरह से नुकसान होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही प्रीमियम सीट कवर ब्रांड की उस सीट कवर के बारे में बताऊँगा, जिसे आप अपनी ओरिजिनल सीट को बिना किसी नुकसान किए अपने घर में ही 20 से 30 मिनट में चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्सोन की सीट कंपनी की तरफ से कुछ इस तरह से आई थी। ये फैब्रिक यानी कपड़े की सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल थी। इसकी स्ट्रेचिंग और इसका डिज़ाइन सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये सीट फैब्रिक की थी। डस्ट इसमें से पार होकर नीचे फोम में जाती रहती, जो कि फोम को ख़राब कर सकती थी, इसलिए सीट कवर बहुत ही ज़रूरी था। ये आप कंपनी की तरफ से आए फ्लोर मैट को भी देख लीजिए, ये रबर के हैं। मैंने एलिजेंट कंपनी के 7D फ्लोर मैट भी मंगवाए हैं, जिन्हें वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। अब ये जो आप सीट कवर के नीचे प्लास्टिक की स्ट्रिप देख रहे हैं, इसको इन क्लिप की मदद से सीट के अंदर की तरफ मौजूद एक वायर से बांध दिया जाता है। आप ऐसे समझ लें कि उसे क्लिप कर दिया जाएगा, जिससे कि ये सीट कवर उस जगह से अंदर की तरफ खींची रहेगी और गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम लुक आएगा। अब ये सबसे पहले गाड़ी की सीट की सिलाई को यहाँ से उधेड़ देगा, जिससे कि उस वायर को फोम के अंदर कसा जा सके। एक बात साफ कर दूं, यहाँ जो ये उधेड़ी हुई सीट है इसे दोबारा सही नहीं करवाया जा सकता। सीट कवर हमेशा अपनी मौजूदगी में ही चढ़वाएं, और जब ये फ्रंट सीट के साइड वाले प्लास्टिक पैनल उतारने की बारी आए तो कारीगर को पहले ही वार्न कर दें कि इन पर कोई स्क्रैच ना आने पाए। और ये इस तरह से बकेट सीट कवर की क्लिपिंग की जाती है। दोस्तों, आगे की दोनों सीट पर कवर चढ़ाना कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पिछली आर्म रेस्ट वाली सीट पर कवर चढ़ाना बहुत ही पेचीदा होता है।
क्योंकि आर्म रेस्ट पर कवर चढ़ाने के लिए आर्म रेस्ट को सीट से निकालना पड़ता है, जिसके लिए पीछे की पूरी सीट खोलनी पड़ती है। साथ ही दोस्तों ओरिजिनल सीट को यहाँ पर यानी आर्म रेस्ट वाले हिस्से पर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। मैंने सीट कवर चढ़ाने की पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन कंप्लीट वीडियो को मैं इस वीडियो में नहीं जोड़ना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसके अलावा एक वीडियो और मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसमें मैं एलिजेंट कंपनी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस कंपनी किस तरह से सामान भेजती है, किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, कंपनी का सामान किस तरह का है और किस किस तरह की आपको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है एलिजेंट कंपनी के साथ वो अच्छा नहीं रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक इस तरह के सीट कवर के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी सीट को बिना नुकसान के अपने घर पर ही चढ़ा सकते हैं। तो वो सीट कवर है ऑटोफोम कंपनी के इजी फिट। ये 7 से 8 हजार रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगे और इन्हें आप अपने घर पर ही चढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। लेकिन बात वही आ जाती है, इनसे आपको गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम लुक नहीं मिलेगा। और अब आप देखिए मेरी सीट कवर का फाइनल लुक।